राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शिष्य नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि, नवरात्रि में देवी माँ का पूजन किया जाता है, देवी माँ का आवाहन किया जाता है, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीजें की जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही लोग इससे जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय भी करते हैं, जिसमें दोस्तों विभिन्न तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति भाव से अगर आप देवी का उपासना करते हैं तो इससे देवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि देवी के 9 दिनों में देवी की आराधना करने से उन्हें प्रसन्न करके हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो देवी के नवरात्रों में अगर किए जाएं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, ज्योतिष में नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप लौंग, जो माँ के पूजन में चढ़ाना अनिवार्य होता है, उससे जुड़े हुए कुछ खास उपाय करते हैं तो धन वैभव की प्राप्ति होती है। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में किए जाने वाले लौंग से जुड़े हुए कुछ उपाय के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि में किए जाने वाले लौंग से जुड़े इन उपायों के बारे में साथ में आप जानेंगे कि लौंग का आपकी किस्मत से कितना बड़ा कनेक्शन होता है। दोस्तों, जब भी आप नवरात्रि के विशेष दिनों में इन उपायों को करें तो इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं होनी चाहिए। जिस लौंग में आगे फूल होता है, जो गोल आप देखते हैं राउंड, वो होना चाहिए, तभी आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन रुकता नहीं है, धन आता नहीं है, व्यापार नहीं चलता है, धन की बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में आपको पहले दिन से क्या करना है, आपको रोजाना शाम के समय कपूर लेना है और 2 लौंग। आपको कपूर में 2 लौंग डालनी है फूल वाली और माँ दुर्गा की आरती करनी है। नवरात्रि के पहले नवरात्रे से लेकर 9 दिन तक आपको कपूर में लौंग का जोड़ा डालना है और माता की आरती करनी है। दोस्तों, इससे धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आप चाहें तो इस उपाय को हमेशा कर सकते हैं, इससे आपके घर में नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, धन से संबंधी परेशानियां नहीं होंगी, ग्रह कलह नहीं होगा, घर में शांति का माहौल बना रहेगा। एक और उपाय, अगर आपके काम नहीं बनते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, आपको एक पान के पत्ते में लौंग रखकर इसे दोनों हाथों से माँ के चरणों में चढ़ाना है। आपको दोस्तों एक साबुत पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर लौंग का जोड़ा रखना है, दोनों हाथों में आपको दोनों हाथों की हथेलियों पर इसको रखना है और माँ से प्रार्थना करते हुए अपने कामों को बनने की प्रार्थना करनी है और माता रानी के चरणों में इनको अर्पित कर देना है। दोस्तों, इससे आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। तीसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु है, विरोधी है, आपके लिए परेशानियां खड़ा करता रहता है, आपका बुरा सोचता है, आपका अच्छे कार्य नहीं होने देता है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन आपको 108 फूल वाली लौंग लेनी है और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देनी है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लौंग के इन उपाय से दोस्तों दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, आपका शत्रु आपका विरोध नहीं करता है, आपका मित्र बन जाता है, आपके बुरे कार्य, जो भी आपके साथ बुरी घटनाएं हो रही हैं, वो सब ठीक होती चली जाती हैं। माँ को लौंग अति प्रिय है दोस्तों, तो माँ को 108 लौंग चढ़ाइए और इससे अपने शत्रुओं का नाश आप कर सकते हैं। अब मैं शादी के लिए एक उचित और उपयोगी उपाय लौंग का बता देती हूँ। दोस्तों, जिस युवक और युवती की शादी होने में कई प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं, लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं,
आप कोशिश कर करके थक गए हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आपको अपनी आयु के बराबर लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा आपको अपनी आयु के बराबर लेना है। लौंग कभी भी अकेली नहीं चढ़ाई जाती, अकेली नहीं रखी जाती है दोस्तों, हमेशा लौंग जोड़े में ही गिनी जाती है। अगर आपकी एज दोस्तों 25 वर्ष है तो आपको 25 जोड़े लौंग के लेने हैं। अब इसको आपको एक पीले या लाल धागे में लपेटकर उसकी माला बनाकर माँ दुर्गा को पहनानी है। दोस्तों, इसका आपको क्या करना है, एक कलावा आप ले लीजिए। कलावे में लौंग के जोड़े को गांठ बनाते हुए आपको या फिर आप उसको लपेट दीजिए किसी तरीके से। देखिए, कलावा क्या होता है दोस्तों, चार लेयर का होता है, चार पांच लेयर होती है उसमें। आप चाहें तो लौंग के जोड़े को उसमें बीच बीच में अटका सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो आपको 50 लौंग लेनी है, या मैं कहूँ 25 जोड़े लौंग के लेने हैं, उसकी एक माला बनानी है, माँ को पहना दीजिए। या फिर आप उसको एक शुभ रंग के कपड़े में बांधकर माँ के चरणों में रख दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे इससे आपके विवाह के योग शीघ्र ही बन जाएंगे, विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। माँ पर विश्वास रखना है आपको, तब इन उपायों को करना है। अगर आप इन उपायों को करते हैं दोस्तों, तो विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि में किया जाने वाला अचूक उपाय है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे लौंग से जुड़े हुए कुछ अचूक और फलदायी उपाय, जिससे आपका विवाह शीघ्र होगा, धन की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, शत्रु है तो वो आपसे शत्रुता छोड़ देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए भगवान करे बहुत ही उपयोगी रहे, आपके लिए उपयोगी रहे। दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।